पूछ रहे थे तो आप लोगों की कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। प्यान जो है वो तेरकुक का बेटा है और यूनी यूनमिन की बेटी है और जूनी नमजुन की बेटा है एंड यूनजुन जो है वो ली आयु की बेटी है। ये चारों कजिन्स हैं और जेहोक जो है वो कुछ सालों पहले ही मर चुका होता है और कुकी डीन शुगा एंड हबी किसी और के बच्चे होते हैं। एंड एक बात और, प्लीज दोबारा कोई मुझे तेरकुक गर्ल बनाने की एंड जेकी को बॉय बनाने की रिक्वेस्ट मत करना क्योंकि सीजन 2 उनके बच्चों के ऊपर है। उनके बच्चों की लास्ट स्टोरी दिखाई जाएगी एंड उनके पेरेंट्स की मौत की रिवेंज दिखाई जाएगी। ठीक है, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी मुझे देखो गर्ल बनाने की या फिर जेको को बॉय बनाने की रिक्वेस्ट मत करना। मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ बट आप लोगों की ये कमेंट मुझे बहुत हार्ड करता है क्योंकि आप लोग बिना देखे बिना जाने सिर्फ टॉप पे टॉप जेके करते रहते हो। क्यों इतना फर्क करते हो? फर्क बंद करो, अगर रियल आर्मी हो तो दोनों को एक्सेप्ट करो, चाहे वो टॉप में हो या फिर बॉटम में। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुगा, तूने शादी कर लिया और बच्चा भी पैदा कर लिया, वो भी इतनी बड़ी, तूने बताया भी नहीं मुझे। मॉम, मासी, मासी, बस कर बहन, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और तुम क्या कह रही हो? मैं दादू? कहाँ से? किधर से? क्या मैं दादू दिखता हूँ तुम्हें? या बेवफा भाई बहन, तुम तीनों ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। सनम बेवफा बन गई, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ी। ऊपर से तू तंदब कर लिए। बस कर भाई, अब मसला क्या है जरा बताइए, पहले खुद पता कर लूँ क्या मसला है फिर तुझे बताऊंगी। हाँ ओ भाई साहब, अब बताओ यहाँ चल क्या रही है? हाँ आई एम सॉरी, हम चलते हैं। भाई निकल ले वरना हम भट्टा कचमर सब बन जाएंगे। हाँ छोरी ने सच ही कहा। जो हाँ देख रहा हूँ इससे लग रहा है हमें भागने में भलाई है। अबे अब भागेगा या फिर यही रहना है? इसको बोल मैं तो भाग रही हूँ, बाय बाय। फिर यूनी भाग जाती है और उसके साथ साथ यूनजुन और जूनी भी भाग जाता है और यहाँ हमारे बेचारे जियोंस अपने में ही लड़ाई कर रहे होते हैं। हाँ ओ बहन जी, हाँ ये तेरे भाग गए, भाग गए। अब तू ये बोल, तूने शादी कब किया और इतने बड़े बच्चे भी पैदा कर लिया? उसका छोर तू मुझे बता, तूने कब शादी किया और मुझे बताया भी नहीं? बेवफा बेटी, तुम तीनों की बातें छोड़ी, मुझे ये बताइए तुम तीनों ने शादी कर ली, मुझे बुलाया भी नहीं और बच्चे भी पैदा कर ली? वाह 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 वाह, क्या भाई बहन मिली मुझे। हो गई तेरी, अब शांति के साथ मेरी बात सुन। ए जिनो सुना, क्या है बे? बातें तो ठीक है मगर ये शांति की दरे बे। शांति गई चूल्हे में तो चुप रहे वरना मैं तेरे को आग में सेक दूंगी। चुप हो जाइए और मुझे बताइए यहाँ चल क्या रही है? बस कर भाई, और कितना हार्ट अटैक दिलाएगी मुझे। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, तुम तीनों पहले चूहे बिल्लियों की तरह लड़ लो। यूनी इन्फॉर्मेशन मिला? हाँ भाई मिल गई, ये ले। फिर टियान इन्फॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ता है। ओ तो तुम्हारी नाम कुकी है, जनरल सर्जन हो और फैमिली में सिर्फ तुम्हारे तीन भाई बहन है। ओके बेबी गर्ल, नाउ आई एम योर फैमिली, बहुत जल्दी तुम मेरे पास होगी। हाँ सुना है लड़की बहुत नेक दिल की है,
उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद से ये चारों एक दूसरे के हिम्मत बने हैं और इस मुकाम पे है। और ये अपनी भाई बहन से बहुत प्यार करती है, अपने भाई बहन के अलावा रह नहीं पाती है। हाँ समझ गया, अब सुन तुझे क्या करना है। फिर टियान यूनी का प्लान बताता है। क्या भाई, क्या तू पागल हो चुका है? नहीं शायद मैं पागल हो गई हूँ। पागल बाद में होना, जो काम बोला गया है वो एग्जीक्यूट करो फौरन। मुझे आज रात ही वो चाहिए। भाई पर डू व्हाट आई से। ठीक है, एज यू विश। वैसे प्लान इतनी बुरी भी नहीं है, मेरी भी जिंदगी बन जाएगी। तेरी ये फटी इंग्लिश कब छूटेगी? व्हाट इज स्टूपिड आर यू, डोंट कुछ कहीं माय इंग्लिश। आई स्पीक वेरी वेल ओके। यू डोंट नो, अगर ये इंग्लिश हुई तो बच्चा लोग सब पास हुई विद 100% टीचर। पास नहीं, सब फेल हो जाएंगे। नहीं भाई, पास हो जाएंगे पर एग्जाम में नहीं, ऊपर जरूर पास हो जाएंगे। तभी जिन को एक कॉल आती है। ये फिर शुरू हो गया, इसके तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। तुम सब खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। पर जिन बेस आ जा रही है, एक पेशेंट आया है, उसको बस थोड़ी सर्जरी करनी है, वो करके आती हूँ। फोन पे सर्जरी? ये कौन सा न्यू सर्जरी है भाई, मुझे भी सीखना है। अब जिन को सब घूर घूर के क्यों देखी, सब खाना खाई। अबे गंदे नाले के कीड़े, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? तुझसे मैं तो क्या, मेरे शुगर के बिल्ले भी प्यार ना करे। तभी जिन के गले में कोई चाकू रखता है। अरे मैं कोई सब्जी देखती हूँ क्या? वहाँ कटने की वजह मेरे गले में आटा तो पड़ा। चुपचाप चलो। चलो पर कहाँ चलूँ? कौन है जो मुझे इनवाइट कर रही है, वो भी इतनी प्यार से? जरा उसका टुकड़ा तो देख लूँ। तभी जिन पीछे मुड़ती है। अगर तुम जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम पीछे क्यों मुड़ी? तुम इतने प्यार से मुझे इनवाइट कर रहे हो, चाकू दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम ऐसे ही बोलते तो मैं चली आती। क्या बकवास कर रही है, अब रुके क्यों? चलो कहाँ चलना है? लगती है डेट पे जाने वाले हैं हम। अरे मेरे तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आ रही है। मेरा माफिया होने का क्या फायदा है, ये तो ऐसे आ रही है जैसे कि इसे मैं डेट पे ले जा रहा हूँ। आई नो मैं सुंदरता की मूरत हूँ, पर मूर्ति की तरह मुझे यही खड़ी मत करो, कहीं लेती भी जाओ। डिस्कस्टिंग। फिर जिन और जिनी कार में बैठ के चल रहे हैं। ये जिनो सर्जरी करी है या फिर ऑपरेशन करी है, इतना डर क्यों लग रहा है? तू जाके देख क्या कहा है। फिर हॉबी बाहर आता है। ये जिनो गई कहा, यही तो आई थी वो, या फिर अस्पताल में उड़ गई या जमीन निकल गई। हे हैंडसम, ऑसम, व्हाट अ वॉइस। आपकी तारीफ, बायोडाटा बताने की टाइम नहीं है, प्लीज मेरी एक हेल्प कीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, आप एक बार ऑर्डर कीजिए, मैं डिलीवरी कर दूंगा। नहीं आपको मेरे लिए डिलीवरी बॉय बनने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बेस बन जाइए आज के लिए। अच्छा लगता है जानू फिर से हाय, मेरी तो जैकपॉट लग गया, सोने पे सुहाना, एक दिन के लिए सही बेस बनने का मौका तो मिला। हाँ क्यों नहीं, मेरी हेल्प करनी पड़ेगी आपको, मेरे साथ चलिए, मैं तो साथ समुंदर पार कर जाऊँ आपके लिए। ये तो बहुत इजी थी, मुझे तो यूनी के लिए बहुत बड़ा लग दिया, पता नहीं वो उस बिल्ले को कैसे संभालेगी। फिर यूनजुन हॉबी को ले जाती है। ये दोनों गए कहाँ, हॉस्पिटल तो नहीं भाग गए, या फिर हॉबी भी जिनों को कंपनी दे रहा है? हम तो डॉक्टर है ना, हमारे पास कंपनी भी हुई, तू जाके देख के आई। यू यही देखी, मुझे भी इसके वायरस चिपक गए। अरे सैनिटाइजर दो रे कोई, मैं अभी आया। फिर शुगर बाहर आता है। अच्छा हुआ मैं वायरस से भाग गया, मैं तो मास्क भी नहीं पहना था, इसीलिए तो गवर्नमेंट कहता है मास्क जरूर पहनना। वैसे ये दोनों गए कहाँ, बाहर तो आए थे। चलो कौन है बे, क्या कह लूँ, कौन हो लूँ? ये बोलते शुगर पीछे मुड़ता है। मेरा सन्यास भंग हो गया, एक नारी ने मुझे छू लिया। हे ममता जी, मेरे ब्रह्मचारी टूट गया। कायक कायक, हाय ये बिल्ला की कितनी ड्रामेबाज है, पर मेरे पास टाइम नहीं है ड्रामा देखने की। इसे उठा लो रे बाबा। क्या उठा लो, कहाँ उठा लो, मुझे बड़ी जवानी में नहीं मरना है। अभी तो उठाते कि नहीं। यस मैम। फिर शुगर को गार्ड ने फेंका कार के अंदर और भगा ले गया। मेरी भाई बहन मुझे प्यार नहीं करेंगे, मुझे अकेला छोड़ के बाहर गॉसिप करें? मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को, आई एम कमिंग। कुकी भी बाहर चली जाती है। यहाँ तो कोई नहीं हुई, ये क्या हुई, कोई नजर नहीं आई, सॉरी बेबी। फिर टियान भी कुकी को ले जाता है। Thank you.
कुछ नहीं भाई, बस मैं इस बिल्ली का पूंछ और मूंछ ढूंढ रही हूँ। मिल नहीं रही है मुझे। आई नो यूनी, तुझे बिल्ली बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू इस बेचारे पर जुल्म करेगी। अरे यार मेरी क्या गलती है, इसका शक्ल ही बिल्ली जैसा है, मैं क्या करूँ। ऊपर से उसका कान भी नहीं मिले मुझे। भैया आपको दिखाई नहीं दे रही है कि आपकी बहन पागल हो चुकी है। मैं भी इसके तरह बिन बजा रही हूँ, पागल की तरह घूर रहा है। अब इस पर डील आ गई मेरी।
अच्छा हुआ इसका कोई और है, मैं बच गया। शुगर है उस शुगर की मैया कसम, किसी दिन अगर सामने मिला तो आरती उतारूंगा, उसके पैर पड़ूंगा और बोलूंगा लेके जा भाई लेके जा, तेरे माल को लेके जा, मेरा पीछा छूटेगा। शुगर की जय हो। मेरा तो जी हो बे। हाय क्या डांस करता है, एकदम माइकल जैक्सन है। मुझे तो कभी कभी डाउट होती है कि माइकल जैक्सन का पोता तो नहीं है जी हो। मैं फांसी लगा लूंगा। लैला तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद करती हो? फिर अंजन हबी को देखकर आंख फाड़ती है और हबी बेहोश हो जाता है। भाई बहनों तुम लोग दो मिनट चुको, मैं अभी आया। दुनिया के सारे जोकर मेरे घर में है, सब शांत हो जाओ। क्या वीडियोस वीडियोस करते हो? तभी टियान कुकी को अपने तरफ खींचता है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। तुम मेरी चुम्मिया लीन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, हमारा शादी अभी होगा, समझ गई? मैं तुमसे शादी नहीं करी। फिर टियान योनी योंजन अर्जुन की तरफ देख के इशारा करता है। हाँ भाई समझ गई। डरो मत बेबी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम बस मेरे साथ दो, तभी हमारा रोल क्लियर होगी। ओके बेबी, रखो रखो धन रखो, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, वो भी तुम्हारे प्यार में। हाय मेरा पंडा। चुप, थोड़ी देर शांत रहोगी वरना सच में उड़ा दूंगा। लव यू बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, शांत रहूंगी। ये मुझे पका रही है, मुझे इतने जल्दी नहीं मरना है, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना शादी की और ना प्यार, लाइव एंजॉय भी नहीं किया, एक सिगरेट तक भी नहीं मारा हूँ, और तुम इतने बड़े गन मेरे खोपड़े पे रख रही हो। जालू तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारूंगी? अगर तुम्हें मार दिया तो मेरे साथ टीटीस का क्या होगा, और मेरा तेरे साथ रोमांस उसका क्या होगा? तुम चोरी जालू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये क्या अनुशना बोल रही हो, सुन सुन बोलो। जालू मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगी, अभी चुप रहो। अगर हमें आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना।